नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भाजपा नेताओं की तुलना उन गिद्धों से कर दी है जो मांस देखकर उन पर टूट पड़ते हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद शनिवार की रात मुरादाबाद के नागफनी इलाके में कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वो अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जिक्र करके सफाई पेश कर रहे थे जिनमें प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला कहकर वो भाजपा के निशाने पर आ गए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान पर सफाई देते हुए सलमान खुर्शीद ने मन से कहा कि भाजपा के लोग कांग्रेस के ऊपर ऐसे टूट पड़े जैसे गिद्धों का झुंड टूट पड़ता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि वो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन सही मायने में क्या कर रहे हैं देश के लोग सब जानते हैं। चुनावी समर में सलमान खुर्शीद ने खुद का जिक्र करते हुए कहा कि वो गंगा किनारे के रहने वाले हैं, माँ गंगा का पानी जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। हिंदू समुदाय में गंगा के पानी को पवित्र माना जाता है, इसी पानी से हिंदू भगवान की मूर्ति को नहलाता है, मुसलमान उस पानी से वजू करता है। कहने का मतलब साफ है कि दोनों ही धर्म के लोग उसको पवित्र मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उस गंगा किनारे का वासी हूँ, मतलब जितनी इज्जत मैं मुस्लिम धर्म को देता हूँ उतनी ही मैं हिंदू धर्म को भी देता हूँ। मेरी नजर में दोनों ही धर्म पूजनीय है। दूसरी तरफ जनपद में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। जगह जगह उनका भव्यदार स्वागत किया गया। इससे पहले दिसंबर 2022 में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद काफी सुर्खियों में थे। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मुरादाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करते हुए कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ दूर तक जाती है, उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई तो विश्वास है कि राम जी भी पहुंचेंगे। सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद काफी घमासान मचा था। इसको लेकर एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, नर की तुलना नारायण से करना कोई भी उचित नहीं मानेगा, चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इससे आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहां 10 जनपद में रहने वाले राहुल जी और कहां अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन घूमने वाले वनवासी राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। कहां उन्होंने भालुओं और वानरों की सेना लेकर राष्ट्र का बंधन किया और लंका को नेस्तानाबूद किया, और कहां सरहद पर हमारे जवानों के लिए अपमान की भाषा बोलने वालों की आप नारायण से तुलना कर रहे हैं। ये जवानों की भी भावनाओं को आहत करने वाला है। नर की नारायण से तुलना मैं अच्छा नहीं मानता। भाजपा नेताओं की तुलना गिद्धों से करने के इस बयान पर बीजेपी किस तरह का रुख अपनाती है, क्या बीजेपी खुर्शीद के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।